चंद पैसों के फायदे के लिए दूसरों के पूरे गांव के बच्चों को बिगाड़ता फिरता है, उससे बड़ा राक्षस आदमी कोई कुछ नहीं हो सकता। अब इससे इतना बड़ा होता है कि एक एक हज़ार रुपये का इतना एक एक ग्राम आता है, वो नशा इतना गरीब लोग कर रहे हैं, तो घर बेचेंगे, चोरी करेंगे, क्राइम करेंगे, सब जगह सत्यानाश करेंगे, और फिर इससे दो तीन महीने, दो तीन साल में मौत हो जाती है, ऐसा गंदा नशा है। और जिन नशेड़ियों में दो चार तो अभी पकड़े हैं पिछले रेड में, और जो बाकी हैं उनको भी अभी कह रहे थे कि भाई ये नशा छोड़ दो या गाँव छोड़ दो। हम लोग उनको कह रहे हैं भाई आप नशा बेचना छोड़ दो और सह सम्मान रहो, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं बेचना छोड़ोगे तो कई सालों तक जेल में काटनी पड़ेगी, अपने आप ही सरकार उठा के ले जाएगी, पुलिस उठा के ले जाएगी और उसको नशा छुड़वाएगी जब ये है, और उसको जो है कोर्ट के 10-20 साल की सजा होगी, तो अपना पूरा जीवन उसका बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि वो ऐसा आता है नशा बेचने वाला, तो पकड़ के उसको यहीं गांव में डालो और पुलिस बोल दो, पुलिस आती है मेरे पास फ़ोन करो, नहीं मैं भेजूँगा उसको, तुरंत ही लेके जाएंगे, उसके पर्चा दर्ज करके उसको अंदर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो हमें पंगा नहीं लेना, उसे पंगा लेना है पूरा, क्यों हमारे गाँव को ख़राब कर रहा है भाई। ऐसा कौन सा दादा आ जाएगा जो गाँव के अंदर नशा बेच जाएगा और गाँव के जो लोग मौजूद लोग चुप बैठ जाएंगे। तो इस चीज़ को हमें ये ध्यान रखना है कि इस ऐसे लोगों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इनके बढ़िया इनका जो है जो इलाज होना है वो बढ़िया इलाज होगा, और हम सब लोग मिलके ऐसे लोगों का इलाज करेंगे। जो नए बच्चे हैं उनको भी ये समझाना है कि ये नशा नहीं, जहर है एक तरह से। ऐसे नहीं कि लाइब्रेरी हमने बना ली, गेट बना दिया, लाइब्रेरी गेट से और जो बिल्डिंग है उससे नहीं बनती है, लाइब्रेरी बनती है और फिर पढ़ने वाले लोग कितने रोज आते हैं, लाइब्रेरी बनने का ये है। इसलिए जो बसेड़ा इतना बड़ा गाँव है और इतने बच्चे हैं इसमें, लाइब्रेरी में पढ़ के हर साल 10-20 बच्चे भी निकलने बाहर अच्छी पोजीशन पे निकलने लग गए, तभी हमारा प्रयास इसमें सबसे जो सक्षम होगा। तो हमारा ये कि शुरुआत है, लेकिन ये कितनी सफल होती है, अब इसमें आप लोगों का सहयोग और साल भर इसको एक जो पौधा लगाया है इसको धीरे 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 आप लोग इसको बढ़ाते जाओगे तभी बात बनेगी। मैं गाँव में आया था, कई बार बात चली थी कि यहाँ पे कुछ नशा बेचने वाले आए हुए हैं। देखो नशा बेचना तो एक जो कहते हैं ना सबसे टूटता वाला काम है, किसी भी समाज में कोई भी नशा बेचता है वो अपने कुछ चंद पैसों के फायदे के लिए दूसरों के पूरे गांव के बच्चों को बिगाड़ता फिरता है, उससे बड़ा राक्षस आदमी कोई कुछ नहीं हो सकता। जो बच्चा गलती से कोई लाइन में पड़ भी गया है और ये चाहता है कि भाई मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, वो तुरंत आए, हम लोग उसको इलाज दे रहेंगे, दो तीन महीने में एकदम से ठीक हो जाता है। डॉक्टर की व्यवस्था है, नलन मेडिकल कॉलेज में जो साइकोलॉजिस्ट बैठता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, दो ही तीन महीने दवाई देनी है बस। थोड़ा बहुत तो चाय भी छोड़ोगे तो भी तकलीफ होती है, चाय भी कोई आदमी छोड़ता है तकलीफ होती है, तो ये नशा लग जाता है। लेकिन अब इससे इतना बड़ा होता है कि एक एक हज़ार रुपये का इतना एक एक ग्राम आता है, वो नशा इतना गरीब लोग कर रहे हैं, तो घर बेचेंगे, चोरी करेंगे, क्राइम करेंगे, सब जगह सत्यानाश करेंगे, और फिर इससे दो तीन महीने, दो तीन साल में मौत हो जाती है, ऐसा गंदा नशा है। तो जो नशा है वो तो ज्ञान का होना चाहिए, आगे बढ़ने का नशा होना चाहिए, तब तो है हमारी सक्षम। और जिन नशेड़ियों में दो चार तो अभी पकड़े हैं पिछले रेड में, और जो बाकी हैं उनको भी अभी कह रहे थे कि भाई ये नशा छोड़ दो या गाँव छोड़ दो। हम लोग उनको कह रहे हैं भाई आप नशा बेचना छोड़ दो और सह सम्मान रहो, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं बेचना छोड़ोगे तो कई सालों तक जेल में काटनी पड़ेगी, अपने आप ही सरकार उठा के ले जाएगी, पुलिस उठा के ले जाएगी और उसको नशा छुड़वाएगी जब ये है, और उसको जो है कोर्ट के 10-20 साल की सजा होगी, तो अपना पूरा जीवन उसका बर्बाद हो जाएगा। जो आज दूसरों के लड़कों को बर्बाद करने पे तुला हुआ है कुछ पैसे कमाने के चक्कर में, उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद होगी ये तो तय है, लेकिन हम उसके चक्कर में कोई अपना बच्चा ना आने दें। गाँव के बोझिए लोग हो, कोई भी हो, ऐसा आता है नशा बेचने वाला, तो पकड़ के उसको यहीं गाँव में डालो और पुलिस बोल दो, पुलिस आती है मेरे पास फ़ोन करो, नहीं मैं भेजूँगा उसको, तुरंत ही लेके जाएंगे, उसके पर्चा दर्ज करके उसको अंदर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो हमें पंगा नहीं लेना, उसे पंगा लेना है पूरा, क्यों हमारे गाँव को ख़राब कर रहा है भाई। ऐसा कौन सा दादा आ जाएगा जो गांव के अंदर नशा बेच जाएगा और गांव के जो लोग मौजूद लोग चुप बैठ जाएंगे। तो इस चीज़ को हमें ये ध्यान रखना है कि इस ऐसे लोगों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इनके बढ़िया इनका जो है जो इलाज होना है वो बढ़िया इलाज होगा, और हम सब लोग मिलके ऐसे लोगों का इलाज करेंगे। जो नए बच्चे हैं उनको भी ये समझाना है कि ये नशा नहीं, जहर है एक तरह से जो शरीर को दिया जा रहा है, हर ग्राम जो बच्चों के शरीर में जा रहा है वो जहर है। तो इससे बच्चों को भी समझाना है कि ऐसे लोगों से चाव में बच्चे चले जाते हैं, कई बार देखो चेक करके देखते हैं कैसा लगता है, उसी चेक करने में ही बच्चा फिर आगे उस गलत में धकेल दिया जाता है। तो इनसे नहीं दबना है, बाकी प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है, हम लोग तो इसमें पूरी तरह से चुस्त हैं, आप लोगों को भी पूरा सहयोग करना है। लाइब्रेरी का भी है, आज का दिन गांधी जी का शहीद दिवस है, तो आज के दिन गांधी जी का मर्डर हुआ था सबको पता है, और
हम लोग आज उनकी शहादत के दिन इस दिन इकट्ठा हुए हैं, और गसेड़ा गांव गांधी जी का जो जीवन यात्रा है उसमें बहुत अहम स्थान रखता है। इसी दिन गांधी जी यहाँ पे इसी दिन नहीं है, वो 18 दिसंबर को आए थे, और इन्होंने यहाँ पे मेव को रोका था और कहा था कि भाई मेव तो देश के रीढ़ की हड्डी है, और आज गांधी जी यहाँ होते तो क्या ये नशा पता बिकता देख के रीढ़ की हड्डी बोलते किसी को? तो हमें गांधी जी को भी सच्ची शहादत तभी होगी जब ये नशेड़ी होने होगी गांव से कम घसेड़ा गांव। जब इस गांव में गांधी जी इतने पुराने आ गए तो पढ़े लिखे नौजवानों के तौर पे, कर्मठ लोगों के तौर पे देखा जाए। मैं सरपंचों को भी यही कहूँगा, कोई भी गांव का प्रोग्राम होता है तो सारे एक सरपंच भी इकट्ठा हुआ करो। जब सरपंच के चुनाव निजी स्वार्थ के लिए नहीं लड़ते हो, गाँव के विकास के लिए लड़ते हो, तो जिस दिन चुनाव हुआ उसी दिन आप लोगों की सरपंच की जो बात है वो भी खत्म होनी चाहिए। और जो चाहे हारा हुआ सरपंच है, चाहे जीता हुआ सरपंच है, गांव का कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें उन सबको मौजूद रहना चाहिए। यहाँ पे देखा है कि एक सरपंच वाले दिन लड़ाई होती है, उसके दिन 5 साल उसके बाद में भी उसकी लड़ाई होती रहती है। ऐसा क्या सरपंची में स्वार्थ है जब इतने सरपंच जेल में बैठे हुए हैं जो करप्शन कर रहे हैं? सरकार जो करप्शन किया उसको एक एक रुपया वसूल करेगी। गाँव का जब विकास करना ही मकसद है तो फिर लड़ाई किस बात की है? ऐसी कोई नाक की लड़ाई है तो इस दावत की रखी जाए कि मैं 5 साल सरपंच बनूंगा, मैंने गांव का इतना विकास करके दिखाया, कोई और आके दिखाए कि इतना करके, तब तो बात ही बनेगी। लेकिन जो घपला करने के लिए लड़ाई करना, गांव के 10-20 लोगों पे केस लगवा देना, आपस में लड़ते रहना, वो ठीक चीज़ नहीं है। तो आगे से सरपंच भी रहते हो तो दोनों तीनों चारों एक सरपंच गाँव के किसी प्रोग्राम में रखा करोगे तब लगेगा। दो परिवार लड़ बैठते हैं उनके ऊपर बड़े संगीन धाराएं लगती लगे रहते हैं, कोर्टों के 5 साल चक्कर काटते रहते हैं, ऐसी सरपंची का कोई फायदा है? 10-20 लोगों की जिंदगी उसी चुनाव में बर्बाद हो जाती है तो उस सरपंची का क्या फायदा है? 5 साल में रहते 10-20 लोगों की जिंदगी तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसकी लड़ाई झगड़े के अंदर उसकी 10-20 के पहले दिन ही शुरुआत ही बर्बादी से हो जाती है। तो ये जो गाँव की लड़ाई है वो भी दोनों तीनों सरपंच बैठो, और इसको जो आग है यहाँ पे भी झगड़ा हुआ था मुझे पता चला है, केस रजिस्टर हो रखा है, तो दोनों तीनों गांव के मौजूद आदमी बैठो, इस झगड़े को यहीं पे समेटो कि आगे से कोई बात नहीं हो। गांव का विकास का लक्ष्य है, मन पवित्र है, तो सब सरपंचों को एक सरपंचों को साथ में बैठना चाहिए और गाँव का मिली जुली होनी चाहिए कि भाई हम इस गाँव का और कैसे भला कर सकते हैं और कैसी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ को भी आप ध्यान दो। गाँव का इतना बड़ा गांव है, देखो सड़कों पे जो है उसकी साफ सफाई पूरी तरह से रहे, गांव की लाइट पूरी तरह से रहे, लाइब्रेरी स्कूल बढ़िया चलती रहे, गांव का जो खेल का ग्राउंड हो वो साफ सुथरा हो और बच्चे 100-200-500 बच्चे सुबह शाम खेलते रहें, तब तो सारे सरपंच का एजेंडा सफल होता है। अब कौन कितना घपला कर गया उसका कंपटीशन चलता रहेगा, तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी बड़ा जोर आता है कि यार किसके साथ बैठे और किसके साथ ना बैठे। आज किसी के साथ बैठ गए, कल उसके साथ बैठ गए तो लगता है कि उसी को अंदर देना पड़ जाता है कई बार, तो वो चीज़ है। अब मैं कई बार बह रहा था कि एक आदमी आया, वो मदद करते हैं हर आदमी की, लेकिन रहता है कि गांव में झगड़ा है, तो वो झगड़ालू गांव है उसके अंदर कोई नहीं बैठना चाहता है। और जो गांधी जी से रिलेटेड गांव है उसमें तो झगड़े का होना ही नहीं चाहिए, आपका तो निर्विरोध सरपंच चुना जाना चाहिए हमेशा से। जब गांधी जी के आदर्शों पर चलना है, गांधी जी के नाम से अपने आप को कहलवाना चाहते हो तो निर्विरोध रहना चाहिए कि भाई आ जाओ सारे के सारे, क्या एजेंडा है बहस करो, उसके ऊपर जो अच्छा लगे वो निर्विरोध चुन लो। गांव का इतना बड़ा गांव है, उसकी एक शान है, पूरे हिंदुस्तान में घसेड़ा गांव की एक शान है जिसकी वजह से हमारा जाना जाता है, उसमें भी इतना लड़ाई झगड़ा हो जाए तो मैं इसको आप लोगों से यही करूँगा कि आप लोग भी इसको बैठो और आगे प्रोग्रामों में बुलाया करो, किसी को गाँव की शांति के लिए थोड़ा नीचे झुक जाने में कोई बुराई नहीं है, है ना। अगली बार से सरपंच इमरान को मैं कहूँगा, उनको भी इनविटेशन प्रोग्राम देंगे तो सबको बुलाना है, तो खुद से इनवाइट करना है कि भाई आ जाओ, इसे गांव के लड़ाई झगड़े हो, जब लड़ना ही है तो जो गांव की बुराइयां हैं उनके लिए लड़ो, जो नशा बेच रहे हैं उनके खिलाफ लड़ो, जो लोग छेड़खानी वाले लड़कियों को छेड़खानी करने वाले उस टाइप के दुष्ट हैं उनके उनसे लड़ो, सब मिल के आपस में क्यों लड़ना। तो इस चीज़ के साथ है मैं आज, हमने एक मेवात की कहते थे मेवात में ये गोबसी वाले हैं, ये तस्करी करते हैं, गाड़ी चुराने वाले हैं, तो आरिफ ने और मकसूद जी हैं RNP मीडिया क्रिएशंस वाले हैं, नियामत सिंगर है हमारा बहुत फेमस सिंगर है यहाँ का, तो उन्होंने मिलकर एक गाना चलाया है, तो वो गाना बनाया है बड़ा सुंदर सा इन्होंने गाना बनाया है, और हम लोग को ज़्यादा बाहर से इन्वेस्टमेंट और वो सब नहीं किया है। एक मेवात में बहुत शानदार चीज़ें भी हैं जिससे हमारी धरोहर पर हमें एकदम गर्व होना चाहिए, वो धरोहर पे 5-6 मिनट का एक गाना चलाया तो हमने आज है कि आप लोग उस गाने को भी देखना, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि हमने कोई किया उसका, हमारा ये था कि मेवात की जो अच्छी चीज़ें हैं दुनिया को वो पता चले। यहाँ पे ये पत्रकार हैं खड़े हैं, ये वीडियो बनाते हैं, उसमें 2 पकड़े गए, 4 आ गए, 10 लड़ाई झगड़ा हो गया, 2 गाँव में गोली चल गई, वही वीडियो चलाते रहते हैं,
तो कहा हमारे मेवात को जाना भी जो जाएगी तो हमारी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे, तो एक से बढ़ के एक अच्छी चीजें हैं, तो हमें उस चीज का गर्व फील होना चाहिए कि भाई बहुत अच्छी चीज है। उसका भी एक गाना बनाया और वो पूरा ट्रेडिशनल मेवाती गाना है। तो नियामत ने अपने मधुर आवाज में गाया, फिर मकसूद जी ने वगैरह इन्हें इससे थोड़ा पिक्चराइजेशन किया मेवात की अच्छी चीजों को, आप जैसा बनता है अपन लॉन्च करते हैं इसको, बाकी आगे अच्छा अच्छा ऐसी चीजें भी मेवात के बारे में आप लोगों को भी हर जगह बतानी है कि मेवात एक अच्छी जगह है। ऐसा नहीं है कि जो कोई मीडिया वाला बाहर से आके कह देता है उसकी वजह से हम मेवात को डिफाइन करेंगे कि मेवात कैसा है, मेवात तो हम लोग बताएंगे कि मेवात हमारा कैसा है, तो उसकी दुनिया को आवाज़ सुननी चाहिए। और मैं अगली बार आना चाहूँगा कि इस लाइब्रेरी से बढ़ के 10 बच्चे को एक स्कॉलरशिप की स्कीम चला रहे हैं, जो बच्चे गरीब घरों से हैं और 10वीं के बाद में IIT और PMT की कोचिंग लेना चाहते हैं, उनके लिए व्यवस्था करें कि पूरे मेवात से 100 बच्चे छाटेंगे, उनको इस बार फ्री कोचिंग में दिलाएंगे, उनके रुकने की व्यवस्था कराएंगे, दानदाताओं से उनकी खाने पीने की व्यवस्था कराएंगे। हमें यह है कि वो 2 साल में बच्चे पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर उस शो के सिलेक्ट होकर हमारे पास वापस आएँ, तो बाकी 100 बच्चे आगे भी चलाएँ। तो वो हमारे वरिष्ठ साथी हैं सुरेंद्र जी वगैरह, जो सुरेंद्र जी का बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा हुआ समाज सेवा में भी, HPSC में भी, तो जहाँ भी होगा तो हम सुरेंद्र जी की मदद ले रहे हैं, कासिम जी की मदद ले रहे हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ा मदरसों का भी किया है कि मौलाना जी ने मुझे मदरसे में बुलाया था ओडल रोड पे, तो वो बच्चे अरबी हिंदी इंग्लिश 6 लैंग्वेज इतनी शानदार बोल रहे थे GK की, आप देखते रहे। तो आप ये कहोगे कि भाई मदरसे, अब हर मदरसे में वैसे ही GK पढ़ाई जाए, वैसे ही गणित पढ़ाई जाए, वैसे ही इंग्लिश पढ़ाई जाए, तो बच्चा आगे जाके सक्सेसफुल होगा। हम ये भी ट्राई कर रहे हैं कि मदरसों के बच्चों की एग्ज़ाम भी ली जाए रैना बोर्ड के साथ में, उनको एक सर्टिफिकेट डिग्री मिले, जैसे कि वो 10वीं 12वीं बाद में JNU जामिया जहाँ भी BA का कोर्स होता है उसके अंदर भी दाखिला ले सकें। तो उन लोगों के लिए भी मौलाना शेर मोहम्मद से मैंने मदद मांगी है, तो हम लोग उस प्रोग्राम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये है कि हर आदमी थोड़ा थोड़ा अपने जो कंट्रीब्यूशन है उससे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा, देखो 5-7-10 सालों में यहाँ भी बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई आपके एरिया में बहुत बड़े हाईवे आ रहे हैं, विकास आ रहा है, ज़मीनें मत बेच देना बिल्कुल भी, ज़मीनें रखना अपने बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए। सरकार लोन वोन सब दे रही है, तो बिना ब्याज का लोन मिलता है बच्चों की पढ़ाई के लिए, खेती के लिए सरकार इतना सही सस्ता लोन दे रही है। तो फालतू के खर्चे क्रेटा वरेटा और इन सब के चक्कर के अंदर अपनी ज़मीनें मत बेच देना, अपने बच्चों को पढ़ाना। ज़मीनें यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो ये इतना गई हुई है, तो इतनी कॉमर्शियल वर्ल्ड में अपनी ज़मीनें सस्ते दामों पे अभी लुटा मत बेचना फालतू जी। तो के लिए गाँव में सारे के सारे लोग हो, अभी इनकी बहुत अच्छी आपकी एरिया की वैल्यू होने वाली है। सरकार ने अभी ये जो आपका है 4 लेन हो रहा है, साथ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे गुजर गया, KMP आ गया, ये सब आ रहा है। तो इस चक्कर में रहकर गांव में भी ये रहना है कि भाई जो जो कहते हैं ना कि थोड़े बहुत लालच में आके अपने बेच दिए और उसके बाद में कुछ भी नहीं है, खेती करने लायक भी नहीं है, तो उसके लिए भी गांव वालों को आप लोग जागरूक करो कि ऐसा ना हो कि किसी थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो आपस में एक दूसरे की मदद करो लेकिन उसकी ज़मीनें ही बिक गई तो फिर उसका आगे का सारा ही खत्म हो गया। तो ज़मीनों को भी होल्ड रखना सीखो। मैं इसी लोगों के साथ में कहूँगा कि आप मौलाना जी आएँ और सुरेंद्र जी आएँ और जो गाना है उसका करें।